हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ैफ़ा स्पोर्ट्स अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एशियन गेम्स फुटबॉल के में एक मैच इंडिया वर्सेस चाइना की। अगर हम इंडिया वर्सेस चाइना के पहले रिसेंट मैच के बारे में बात करें तो चाइना ने इंडिया अंडर-23 को एशियन गेम्स क्वालिफायर में 1-0 से हराया था। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो शुरू में जो है वो इंडिया को जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन जब इंडियन फैंस ने और कोच ने मिलकर जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए, प्रेशर डाला, तो मजबूरन जो है वो परमिशन देनी पड़ी इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। तो अगर हम मैच का प्रीव्यू स्टार्ट करें तो इसमें इंडिया को इस मैच से पहले एक दो मेजर ब्लो का सामना है, जिसको कोच इगर स्टोमिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया कि सुनील छेत्री और जिगन जो है वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। इसकी वजह ये है कि जो है इंडिया से चाइना तक बहुत लंबा रास्ता है और इंडियन टीम अभी कल रात जो है वो 11 बजे ही जो है वो होटल में पहुंची, जो कि चाइना मैच से तकरीबन सिर्फ 18 घंटे पहले है। अगर हम कोच की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सेकंड पॉइंट ये भी था कि कोच जो है वो नॉन ट्रेनिंग टाइम मिलने पर भी बड़े गुस्से में थे और कहते हैं कि हम अपना टेक्निकल और जो है ना प्लान वो एयरपोर्ट पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए कोई वक्त नहीं दिया गया। और इसके बाद जो है वो कोच जो है वो मेनली जो है वो इंडियन वो म्यांमार और बांग्लादेश के मैच को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मैनी प्लेयर्स सचिन वीरेंद्र गोहाट एंड अंकित यादव इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर टीम इंडिया टू विन अगेंस्ट चाइना बिकॉज दे आर प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट मोहन बगान एंड ओडिशा FC विच इज़ ऑल्सो स्केजुअल्ड टुडे 19, सो दे विल नॉट बी एबल टू रीच टिल चाइना मैच एंड दे विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट मैच। सो इफ वी सी ओवरऑल इंडियन टीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग to compete with China if their all players were available and they have reached the place timely and trained well, but according to the present circumstances China will definitely will be having a upper hand and have won this match, first match. India will likely to be stronger against Bangladesh and Myanmar. They need to win both match if they loses today. So I am predicting a China win with 2-0 or 3-1. And if we want to talk about the telecast, the match will be telecast at 5 Indian Standard Time at evening. And the broadcasters are Sony Liv and Sony 10. So if you want to catch more updates of Indian football and Indian other sports in upcoming Asian Games, kindly subscribe the channel and press the icon. Goodbye.